गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे साथ है टोयोटा की अर्बन क्रूजर टाइजर, तो रीबैच सुजुकी फ्रॉन्क्स जिसको हम बोल सकते हैं वो है ये। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो कलर है ये इसका वाइट कलर है, और वाइट कलर में सबसे पहला जो आपको डिज़ाइन एलिमेंट में चेंज नज़र आएगा कि यहाँ पे ये दो स्ट्रिप एलईडी के दिए गए हैं, जो हाईराइडर की स्टाइलिंग है उसको कॉपी किया गया है। कॉपी इन द सेंस कि टोयोटा की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसको फॉलो किया गया है। डुअल टोन लुक में ये गाड़ी है, ऊपर आपको काली छत मिल जाती है, पिलर्स वगैरह पूरे काले मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको ये वाइट बॉडी मिलती है। ग्रिल खूब बढ़िया, जैसे टोयोटा की रूमियोन जो रीबैच्ड अर्टिगा है वैसे उसकी ग्रिल दी गई है। सामने आपको यहाँ पे एक 360 डिग्री कैमरे का फ्रंट मॉड्यूल दिया गया है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम का यहाँ पे लोगो दिया गया है। मेन हेडलाइट्स आपको नीचे मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा सा एक क्रोम दिया गया है, थोड़ा यहाँ पे ब्लैक बिट्स दिए गए हैं। सामने से दिखने में काफ़ी अच्छी है, और कुछ लोगों को तो हो सकता है कि ये फ्रॉन्क से भी ज़्यादा अच्छी लगे देखने में। साइड की बात कर लें तो व्हील्स के भी डिज़ाइन को, जो अलॉयज़ हैं उनके डिज़ाइन को चेंज किया गया है। यहाँ पर अब आपको 16 इंच के ही अलॉयज़ मिलते हैं, पर इसमें डायमंड कट डुअल टोन लुक दिया गया है। यहाँ पर साइड में मिरर आपको काला मिलता है डुअल टोन लुक को कम्प्लीट करने के लिए। मिरर्स पे इंडिकेटर है, और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे का मॉड्यूल भी है। कीलेस एंट्री ड्राइवर को ड्राइवर दोनों तरफ से है। ऊपर आपको रूफ रेल मिलता है, कोई सनरूफ वगैरह नहीं है, काली छत है पूरी प्लेन, और यहाँ पे शार्क फिन एंटेना है। साइड से जो इसका लुक है थोड़ा ऐसे स्लोपिंग लुक दिया गया है। पीछे से आप देखोगे यहाँ पे फ्यूल टैंक, यहाँ पे पीछे वही 16 इंच के टायर्स। रियर में आपको वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ स्पॉयलर मिल जाता है, वॉशर भी मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलता है। मेन जो इसका बढ़िया एलिमेंट है रियर स्टाइलिंग का, वो आप देखोगे जो सी शेप की लाइट्स हैं जैसे हाईराइडर में हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे भी वही लुक मेंटेन किया गया है। ये पूरा आपको एक स्ट्रेट स्ट्रिप दे दी गई है, यहाँ पे भी आप देखोगे उसको मेंटेन किया गया है। यूनी आजकल ये जो कनेक्टेड टेल लैंप्स का जो एक चल रहा है, तो ये चीज़ फ्रॉन्क्स जैसी है, पर इस चीज़ को चेंज किया गया है, अलग स्टाइल दी गई है। उसमें 3 डॉट्स मिलते हैं, इसमें सी शेप मिलता है। बैजिंग मिलती है अर्बन क्रूजर टाइजर, यहाँ पे टोयोटा का लोगो, और यहाँ पे वी टॉप मॉडल जो है इसका नियो ड्राइव। बूट स्पेस भी यहीं से हम आपको दिखा देते हैं। बूट स्पेस अगर आप इसका देखोगे 308 लीटर का बूट स्पेस है, 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, सीट आप चाहो तो फोल्ड कर सकते हो। अच्छी खासी बूट स्पेस है, बट थोड़ी गहरी है, तो मतलब सामान अगर आपको कुछ निकालना है तो पहले ऊपर खींचना पड़ेगा फिर बाहर खींचना पड़ेगा। लाइट वगैरह आप देखोगे यहाँ पर जो नंबर प्लेट की लाइट्स हैं वो सब भी आपको LED मिलती हैं। दरवाज़ा अगर आप खोलोगे तो देखोगे यहाँ पर ढेर सारा सॉफ्ट टच वगैरह आपको मिल जाता है, खूब प्रीमियम यहाँ पे लुक आती है। ये पूरा आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच, ये प्लश लेदर दिया गया है ताकि यहाँ पे आपका आर्मरेस्ट का ये बढ़िया काम करे। ये कलर्ड प्लास्टिक है, तो ये आपका दिखने में सॉफ्ट टच जैसा है, ये नीचे वाला पार्ट सॉफ्ट टच है, ये पार्ट सॉफ्ट टच है, और ये इसी कलर का प्लास्टिक है, तो देखने में एक जैसा ही लगता है। 1 लीटर वाला जो टर्बो इंजन है वो है इस गाड़ी के अंदर, 100 हॉर्स पावर के आसपास इसकी पावर है। की इसकी नॉर्मल मारुति वाली मिलती है पुश बटन स्टार्ट के साथ। यहाँ पे अगर मैं एक बार इसको पुश करूंगा, आप देख सकते हो आपके जो बेसिक एक्सेसरी वाला सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। एक और बार अगर मैं की दूंगा तो पूरे आपके डायल्स लाइट अप हो जाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, सीट एडजस्टमेंट आपका पूरा मैनुअल है, आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। हाइट के लिए एडजस्टेबल है सीट। स्टेयरिंग में भी अगर मैं आपको एडजस्टमेंट इसका दिखा दूं तो इसमें टेलीस्कोपिक आपको मिल जाता है, तो रीच और हाइट दोनों के लिए यह एडजस्टेबल है, ये एक अच्छी चीज़ है। ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि इसमें कोई कॉस्ट सेटिंग नहीं की गई है। अंदर के लैंप्स आपको मिलते हैं पीले वाले जो होते हैं हैलोजन। स्टीयरिंग का आप लुक देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे ग्लॉस ब्लैक दिया गया है, इस जगह ये आपको लेदर रैप्ड है, तो बढ़िया एक इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है, थोड़ा लेदर रैपिंग थोड़ा ग्लॉस फिनिश दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्लैट बॉटम है, टोयोटा का लोगो, असल यहीं पे देखने वाली चीज़ है टोयोटा का लोगो, तो बैठे फ्रॉन्क्स में हो पर लोगो टोयोटा का है, पैसे भी इसी के हैं। यहाँ पे आपको जो ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल्स, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, टर्बो इंजन के साथ आपको 6 स्पीड मिलता है, बाकी नॉर्मल 1.2 लीटर के साथ AMT मिलता है। बीच में आपको MID दिया गया है, MID में काफी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप देखोगे इंस्टेंटेनियस दिया गया है, फ्यूल का कंजम्पशन चार्ट, उसके बाद ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टार्ट स्टॉप, इसमें माइल्ड हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी है, टाइम क्लॉक मोशन फ्रंट रियर कैसे आपकी गाड़ी जा रही है, टॉर्क पावर ये सब बताता है, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग
माइल्ड हाइब्रिड का जो एनिमेशन है कि इंजन और बैटरी तो बीच में कब कहां सप्लाई कर रही है, थोड़ा सा माइल्ड टॉर्क असिस्ट होता है, कब आपकी बैटरी कितना असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। लेफ्ट साइड पे आपको टैकोमीटर मिलता है और राइट साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है। जैसे आजकल कुछ कुछ गाड़ियां जा रही है डिजिटल की तरफ, इसको एनालॉग ही रखा गया है, वहां पे ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। विंडोज की बात कर लें, जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो ऑटो वन टच अप डाउन है, बाकी सारी आपको पावर मिल जाती है पर ऑटो नहीं मिलती है। यहाँ से ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो कंसोल की। एचयूडी दिया गया है, हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे है। अभी शायद ये डेमो कार है तो ये एक्टिवेटेड नहीं है, इस बटन को दबाने से नहीं तो ये ऐसे एक्टिवेट होता है। यहाँ पे आपको एक एचयूडी मिलता है, बलेनो वगैरह में भी आजकल आता है। 360 डिग्री कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा अगर यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो, ये आपको हर तरफ से गाड़ी को दिखाएगा, एक एनिमेशन बना के दिखाता है गाड़ी का चारों तरफ से। क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर है, ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर है, हेडलैम्प लेवलर, एसी की कूलिंग ठीक ठाक है, एसी बढ़िया ही काम कर रहा है। यहाँ पे ड्राइवर को भी एक मिरर देखने को मिल जाता है, मिरर में आपको लाइट भी मिलती है, जैसे ही आप ये फ्लैप ऑन करोगे फ्लैप के साथ वो लाइट कनेक्टेड है। साथ ही साथ को पैसेंजर को भी यहाँ पे मिरर और उसमें अटैच्ड लाइट मिलती है। सनरूफ कोई भी नहीं है इसमें, यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग का पैड मिला हुआ है जिसमें वो लाइट जल रही है। यहाँ पे दो कप होल्डर्स में, लेकिन एसी वेंट्स नहीं है तो कूल्ड कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं जैसे कि एक्सेल सिक्स वगैरह कुछ कुछ गाड़ियों में है मारुति के। सीट में साइड में ये बोलस्टरिंग, ये सपोर्ट काफी बढ़िया है, सीट काफी कंफर्टेबल है, इसका जो लंबर सपोर्ट है वो भी बढ़िया है, हेड सपोर्ट वगैरह भी बढ़िया। यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग है, और स्लाइडिंग के साथ साथ इसमें थोड़ी सी आपको स्टोरेज भी मिल जाती है, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलती है, थोड़ी सी मिलती है, मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिलता है। फोन चार्ज करने के लिए यहाँ पे यूएसबी का आपको एक एस टाइप दिया हुआ है और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। ग्लव कंपार्टमेंट का स्पेस ठीक ठाक है, बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं है। ब्राउन कलर टाइप का जो दिया गया है, कुछ लोगों को शायद पसंद आए, कुछ लोगों को शायद बहुत ज्यादा पसंद ना आए। यहाँ पे भी ये सब आपको कोई ऐसा सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, ये सब दिखने में सॉफ्ट टच जैसा है पर है सब हार्ड प्लास्टिक। रियर की बात कर लेते हैं, रियर में सबसे पहले आपको यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है, एसी वेंट के साथ साथ मिलता है यहाँ पे दो चार्जिंग पोर्ट, एक टाइप ए है एक टाइप सी है। फास्ट चार्जिंग का इंतजाम है, सीट में आपको इधर कोई बैक पॉकेट ऐसा मतलब फ्लैप देखने को नहीं मिलता है पर इधर देखने को मिलता है, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट के बीच में। दूसरी चीज यहाँ पे हाइट, आपको सीलिंग हाइट थोड़ी कम फील हो सकती है क्योंकि ऐसे जो स्लोपिंग डिजाइन बनाया गया है तो ज्यादा लंबे लोगों को शायद यहाँ पे थोड़ी तकलीफ हो। तीन आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, एक दो और तीन, तीनों के लिए थ्री पॉइंट सीट बेल्ट भी दिए गए हैं पर यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं नजर आ रहा है जो शायद उतनी अच्छी चीज नहीं है क्योंकि ये तो टॉप मॉडल है गाड़ी का जिसमें एचयूडी और 360 है, उसमें आर्म रेस्ट तो होना ही चाहिए था रियर के लिए। पार्सल ट्रे मिलता है, अच्छे क्वालिटी का पार्सल ट्रे है। सोनेट वगैरह में जैसे विंडो के कर्टन्स दिए रहते हैं वो नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पे सीट में अगर आप लेग स्पेस की बात करोगे तो लेग स्पेस देखो ठीक ठाक है, ये सीट मैंने बहुत पीछे की हुई थी फिर भी नी रूम तो मिल रहा है, थाई सपोर्ट ना थोड़ा आपको कम मिलता है। अगर आप लंबे हो तो आपके पैर सीट से बहुत जल्दी ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करने पे हल्का बेटर है पर बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है। सीट की चौड़ाई भी ठीक ठाक है, बीच में छोटा सा हम्प भी है, दो लोग अच्छे से कंफर्टेबली बैठेंगे, तीन लोगों को शायद थोड़ा टाइट रहे। सेफ्टी की बात करें यहाँ पे आप देख सकते हो एयरबैग का टैग मिल रहा है, 6 एयरबैग टोटल इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। काफी हद तक यही है अपनी अर्बन क्रूजर टाइजर, और लेनी किनको चाहिए, लेनी उनको चाहिए जिनको पहली बात की टोयोटा का ब्रांड इमेज अच्छा लगता है। आप सामने देखो वहाँ पे फॉर्चूनर लगी हुई है, यहाँ पे कैमरी लगी हुई है, वहाँ पे हाईराइडर लगी हुई है, तो ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों के बीच ये बिकती है, ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस होगा टोयोटा के शोरूम में आना। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें वारंटी एक साल एक्स्ट्रा मिलती है, उसमें मारुति में 2 साल की मिलती है, इसमें 3 साल की मिलती है। लुक्स भी हो सकता है कुछ लोगों को इसकी ज़्यादा पसंद आए, पर्सनली आपको क्या ज़्यादा अच्छी लगती है ये या फ्रॉन्क्स आप मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।